Morning, internet. Assalamu alaikum. From Jilondi. Jilondi, hopefully, I'm going to from Jilondi in Tajikistan. I'm with family. ये सारी फैमिली हमारी जो है यहाँ पे इनकी ये दादियाँ नानियाँ पता नहीं कौन कौन है सारे यहाँ पे ये कहते हैं 50 बंदा यहाँ पे रह रहा है। रात को मैं यहाँ पे सोया था और यहाँ पे कुछ और जो इनके सोए थे और अभी अब जो है अब नाश्ते का टाइम है और पूरी फैमिली जो है वो नाश्ते पे इकट्ठी है। हेलो प्रिवियत तो सलाम अलैकुम तो नाश्ते में भी जो है पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी है और इसने अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई अंडा और सॉसेज ये तो यही था क्या स्पसीबा बहुत अच्छी फैमिली है ये। मुझे कल रात को यहाँ पे आया था मैं तो उस टाइम रात थी पहला घर मुझे नज़र आया वहाँ मैंने जाके नॉक किया। मैंने कभी होम स्टे कहते हैं कि हमारे पास एक ही बेड पड़ा हमारे कॉरिडोर में तो वहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है हमने सोना ही है। अभी हमारा हाउस फुल हो चुका है जी यहाँ पे जो है हमारी दादियाँ नानियाँ पत्नी जो भी हैं ये भी साथ बैठी हुई हैं ये भी सारे हम यहाँ पे साथ बैठे हैं। इतना मतलब को लोशियत नहीं है करोबा ओके तो हम यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं एंड देन वी विल लीव कजाकिस्तान मनो को लोशियत ये मैं यहाँ पे अखरोट ला कर दिए हैं। ये चाय जो है दूध वाली चाय थोड़ी सी नमकीन चाय कहते हैं कि ये है लेट मी ट्राई नमकीन चाय जो है वो कुछ नहीं था जोलांदी का विलेज जो है यहाँ पे आसपास बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं थर्मल वाटर के तो अब इनके घर में यहाँ पे जो है ना थर्मल वाटर जो है वो इन्हें यहाँ पे आ रहा है इनका मैं वो दिखाता हूँ चल के। ये है यहाँ पे थर्मल वाटर इनका तो अभी हम इसमें ज़रा चल के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हम भी ज़रा इस थर्मल वाटर को एंजॉय करते हैं दो दिन। मैं यहाँ पर रात को भी आया था और अब भी जाने से पहले एक दफ़ा इसको ज़रा और हम देखें ओ अरे पानी हाँ बहुत गर्म पानी है इट्स गुड बहुत गर्म पानी है लेकिन कहते हैं जिस्म के लिए बहुत अच्छा है तो वाई नॉट वी यूज़ इट। Спасибо. До свидания. So, let's go to Bismillah Parker. Assalamu alaikum. आज की जो हमारी मंजिल है कलाखुम हमें आज वहाँ तक पहुँचा था खैर खैरियत से बगैर किसी बड़े प्रॉब्लम के। टाइम क्या हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। हम इस टाइम काफ़ी लेट निकल रहा हूँ मैं आज क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद पूरी करनी थी और यहाँ पे ये फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ज़रा गपशप करने में थोड़ा मज़ा आया। तो आज का जो हमारा टारगेट है यहाँ तकरीबन कोई 130 किलोमीटर के फासले पे है खोरक जो कैपिटल है बदख्शां रीजन का और वहाँ से फिर आगे तकरीबन कोई 250-250 किलोमीटर और है कलाखुम। अगर हम कलाखुम तक नहीं भी पहुँच पाते तो हम रास्ते में किसी और छोटे छोटे गांव में इस तरह वाले गांव के वहाँ पर रह जाएं कल के लिए और कल फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ले जी बैक टू पामीर हाईवे
ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मौसम भी अच्छा है फिलहाल, तो इतनी गर्मी नहीं है। और खोरक में पहुंच के मैंने एक मैकेनिक ढूंढना है जिसके पास कुछ अगर हो तो, क्योंकि जो चेन जो है वो काफ़ी ड्राई है। मैंने कुछ ना कुछ ऑयल जो मेरे पास था मैंने वो दे दिया है, लेकिन चेन अभी भी काफ़ी ड्राई थी। तो खोरक से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कोई मैकेनिक होगा तो उससे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम ज़रा इस मैगज़ीन से हम ज़रा पानी ले लें, सुबह पानी मुझे नहीं मिला वहाँ से। सलाम अलैकुम। वदा यस्त ये का जरोवना दवी बोतल का पहिया लुस्ता। सलाम अलैकुम। तकवास उससे नॉर्मल ना ये तो मुनो का किलो था, स्कोर का किलो, स्कोर का किलोग्राम ये तो पच्चीस सोरक सोरक प्याज था, सोरक प्याज किलोग्राम। वाह ये तो बुलशो है। बुलशो स्कोर का किलो, स्कोर का मीटर उधर किलोमीटर 500-600 मीटर 600 मीटर ओके, नहीं तलेको अल्हम्दुलिल्लाह। Спасибо. आधे रास्ते में यहाँ पे एक नज़र आया कैफ़े, तकरीबन कुछ 100-115 किलोमीटर के बाद। यहाँ चलो फिर हम अपना लंच ही कर लें। हाँ जगह तो अच्छी है, लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या मिलता है खाने में। नहीं जी, हमारे खाने में यहाँ पे ये शोरपा है, वही जो सूप, इसमें गोश्त है, कैरेट है, पोटैटोज़ हैं, ब्रेड है साथ में, साथ में ये एक है फ्रेंच फ्राइज और गोश्त बीफ है, साथ में ग्रीन टी है। जो कुछ मेरा यहाँ पे खा रहे हैं क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी काफ़ी देर की, और रास्ते में कुछ भी चाहिए तो कितना 100-150 किलोमीटर के बाद ये जगह जाके आइए और उसके बाद आगे पता नहीं क्या बात है। तो लेट्स एंजॉय आवर मील एंड देन कंटिन्यू। हाँ तुम्हें मालना स्पेसिबल
पामेर हाईवे पे किसी ट्रक को क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल। इस टाइम शाम हो गई है, 6:30 हो गए हैं और मैं पिछले एक घंटे से कोशिश कर रहा हूं कि कोई अगला विलेज है जहां पे मैं रात गुजार सकूं, और अगला विलेज आने का नाम नहीं ले रहा। पहले एक विलेज आया थोड़ा सा बड़ा, मैंने कहा चलो अभी टाइम है थोड़ा घंटा डेढ़ घंटा तो अगले विलेज जाके चेक कर लेते हैं, लेकिन अगला विलेज अभी तक नहीं आया। पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं दो और काफ़ी स्टीप पहाड़, मतलब अगर अगला कोई विलेज आए और जहाँ पे हमें कोई कमरा भी रात को या कोई बेड मिल जाए रात को सोने के लिए। मेरे इसके आप इतने जंप थे ये वैसे, क्योंकि ये जो सारा टूटा हुआ तो इसके ऊपर ये मेरा था ना एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा विंडशील्ड थी वो गिर गई है कहीं नीचे रास्ते में, जो आधी पहले टूटी हुई थी, जो कल हमारी आधी टूट गई थी तो वो रास्ते में कहीं गिर गई है वो। बाइक के अब टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं जैसे जैसे हम घर पाकिस्तान पहुँचने करीब पहुँचे हुए हैं। पता नहीं आपको रोड की सूरत हाल नज़र आते इसी तरीके से कि नहीं, लेकिन जो आज मोस्टली जो है आज की हमारी राइड 70-80% वो इस तरह के रोड पर रही है जिसमें नीचे से चट्टाने हैं, पत्थर हैं, रेत है, और साथ में इस तरफ एग्जैक्टली जो है उस तरफ हमारा ये दरिया चल रहा है पंज। और कोई थोड़ी सी मिस्टेक अगर बंदा उस कोने में हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आपका सफ़र जो है आगे का बहुत आसान हो जाएगा। और अब ये काफ़ी उतराई है, और यहाँ पे हम पहले और दूसरे आज तकरीबन सारा दिन जो है हमारा पहले और दूसरे गियर में गुजरा है। 2 किलोमीटर прямо там есть. Окей, спасибо. Это водички чешма там отдыхают. А, окей, хорошо. Спасибо. Салам алейкум. कह रहे कि आगे चश्मा है तकरीबन 2 किलोमीटर के पास और वहाँ पे कुछ रात गुजारने का बंदोबस्त हो सकता है। लेट्स सी, क्योंकि इस रोड के ऊपर रात को राइड करना इम्पॉसिबल। और हमारा बाकी सिर्फ रहता है कितना, तकरीबन कोई 50 किलोमीटर रहता है बाकी इस बुरी रोड का। बाकी जो है सुबह इंशाल्लाह उसके बाद आगे जो है दुशंबे के कलाखुम से आगे जो है रास्ता वो काफ़ी अच्छा है। सलाम अलैकुम। तम यस्त होम स्टे यस्त होटल दोमा नोच फुट द होटल। Вот это? Да. Окей. Ленджи Аллах ка шукур ха ке хаме зяда дур и зяда мушкил нахи карни пади, рат ме драйв нахи карни пади. Ар хаме яхан пе я вала жа хай, ек хотел мил жа хай. Вахан пе камера жо бхи хай, то уску ниче хам арам се со жаенге. Ар пиче хамар я бэр кисма, иска кафи шор хай. То Аллах каре муже рат ко нинд а жа хай. Кисто мэн тхака ва вайсе пичле 3-4 дино се. तो उम्मीद है कि हमारी आज की रात यहाँ पे ज़रा अच्छी गुजरेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, एंड दिस डे 3 हमारी जो रिटर्न हो रही है पामीर हाईवे से बैक टू दुशंबे। वी कंटिन्यू आवर जर्नी टू दुशंबे। अस्सलामुअलैकुम।
अब इस टाइम जो हो रहे हैं 7:30, हमारे तकरीबन 50 किलोमीटर का हमारा जो रास्ता है वो ख़राब रास्ता है, उसके बाद कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज का रास्ता हमारा अच्छा गुजरेगा एंड देन होपफुली आज शाम तक हम वापस दुशंबे पहुंच जाएंगे। तो शुक्र अच्छा किया कि रात को यहीं पे हमने स्टे कर लिया था, पर जिस तरह की रोड आगे चल रही है आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की रोड में यहाँ पे रात को बाइक चलाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छे लोग थे वो बेचारा लड़का जो है, वो अपना उसने एक छोटा सा होटल बनाया हुआ, तो 10 यूरो उसने लिया मेरे से, उसने मुझे रात का खाना भी दिया था और जो है रात सोने का जो है इंतज़ाम वो भी करके दिया था उसने, तो ठीक है। हमारे सामने इस टाइम जो वो वाले घर हैं और वो जो सामने जो वाले खेत हैं वो अफगानिस्तान के हैं। मैं ये पता नहीं कितनी बार कह चुका हूँ इस सफ़र में। और ये जो मुझे रिवर जा रहा है पांच रिवर, ये एक नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो मैंने उनसे पूछा था कि जो है ना ये पानी जो है रिवर का, तो ये किसके हिस्से में आता है, अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के? वो कहते हैं कि आधा जो है ये अफगानिस्तान का है और आधा ताजिकिस्तान का है। और अब ये आधा और उस आधे की क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसी है, नहीं ये हमें पता नहीं है कोई इसका, लेकिन अफगानिस्तान ताजिकिस्तान और द किलर पामीर हाईवे। खैर अभी अब हम पामीर हाईवे से आगे आ चुके हैं, अब इस टाइम ये वाली M41 है, लेकिन फिर भी इसको पामीर हाईवे ही बोलते हैं, पामीर हाईवे, क्योंकि वो पामीर माउंटेन है इसलिए। और अब हम जो है अब हम इस टाइम बदख्शां रीजन में, बदख्शां माउंटेन्स में, तो बट स्टिल दिस इज कॉल्ड M41 बैक इन रशियन, बैक इन सोवियत टाइम्स। और सोवियत टाइम्स में ये M41 जो है ये स्टार्ट होती है किर्गिस्तान का सिटी जहाँ पर हम थे ओश, वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये जाती है अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है तर्मिज, वहाँ तक, क्योंकि USSR जो है वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान तक था, अफगानिस्तान तक वो नहीं पहुँच सका था, इसलिए फिर M41 को जो है सिर्फ तर्मिज तक ही उसे कहते हैं, कहते थे, आजकल तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी ये फेमस है M41 के तौर पर। फिर एक और चीज़ देखें कि हम यहाँ पामीर हाईवे पे यहाँ जानवरों को इस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो बेचारी एक जो है दुम्बा और बकरी वो अब इस गाड़ी के छत के ऊपर बंधे बैठे हैं और उनका हालत क्या हो रही है बेचारी, वो भेड़ जो है उसकी हालत वैसे ख़राब हो रही है अभी से, और अभी इसने पता नहीं कितना दूर जाना है इनको ले के। अल्हम्दुलिल्लाह ककतीला वसे नाम वाला ये तवाश फलकवे दा ता स्पात ताम स्पात ओके सिवोदनिया हां सिवोदनिया सिवोदनिया दिस हस्ता उत्रम स्पात ओके मी टेकी दा 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 ये चो ये दा गोरे दा दा इज अ नाइस पोनी पोनी समगोन दा मनोगा समगोन समगोन या या दा या तो वी दिल दा तीन हेलो समगोन। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये उसने मुझे पहचान लिया, कहता है तेरा मोटरसाइकिल था ना कि जो पिछले दिनों वहाँ पे ख़राब हुआ था, मैंने कहा वो कह रहा कि हम रात को यहाँ पे सोया इसमें इस ट्रक में, अब सुबह भी आगे जा रहे हैं ये,
सामागोन एक रशियन वोडका टाइप है, तो यहाँ पर भी शायद बनाते होंगे। ये तो कह रहा है मैंने जरा सामागोन पी हुई है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया, कॉफ़ी पी लिया, यहाँ पे हमने नाश्ता भी कर लिया, एंड नाउ वी हिट द रोड बैक टू द शंबे। वो तो कह रहा था कि भाई आज तू इधर ही रह जा, मैंने कभी नहीं, मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैंने फिर आगे और भी, अभी मैंने काफ़ी लंबा सफ़र करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वी हैव मेड इट बैक टू द शंबे, हमारे उसी हॉस्टल में जहाँ पे हमने शुरू किया था आज से 5 दिन पहले, हम एग्जैक्टली उसी जगह पे वापस आ गए। आखिरी जो 250 किलोमीटर थे, नहीं आखिरी तकरीबन जो किला खुम से आगे जो था तकरीबन कोई 450 किलोमीटर, वो तो कोई अमेजिंग ही राइड थी। रोड क्योंकि बहुत अच्छी है। आर यू? आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। कैन आई ब्रिंग इट? दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। कैन आई ब्रिंग इट हियर? तो लें जी हम वापस पहुंच गए तो शंबे किसी बाइक हाउस पे। अब मैं अपना बाइक यहाँ पे दे रहा हूँ ज़रा इसके सर्विस के लिए। इसके जो ज़ख्मी जो इसकी चीज़ें हुई हुई हैं क्रैश पर, इसके जो है टोटली ज़ख्मी हुई हुई है। ये तो खैर नहीं बन सकता। ये जो है विंडशील्ड, ये भी इसकी टोटली ज़ख्मी है। इसकी सर्विस होनी है 31,000 किलोमीटर की, और मैं 2 दिन अभी यहाँ पर रुकूँगा, इसकी सर्विस करवाऊँगा, कुछ और काम से वो करूँगा और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पामीर हाईवे का जो हमारा है एडवेंचर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल क्रॉस ओवर टू अफगानिस्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।